जी अस्सलाम वालेकुम, हाय व्यूअर्स, मेरा नाम कलीम है। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। और आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है, आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आपका HBL में अकाउंट है तो आप HBL मोबाइल ऐप को लॉगिन करके ये चेक कर सकते हो कि आपका जो आपके पास जो ATM कार्ड है उसका डेली विदड्रा लिमिट कितना है, डेली विदड्रा लिमिट कितना है। क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड होते हैं जिसमें जो है ना 25 भी हो सकता है लिमिट आपका, 50 भी हो सकता है, इवन के 1 लाख भी हो सकता है। अगर आपको नहीं पता कि आपके ATM कार्ड का डेली विदड्रा लिमिट कितना है तो आप यहाँ ऐप को लॉगिन करके देख सकते हो उसका क्या तरीका कार है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इसके अलावा आप उसका जो लिमिट है डेली लिमिट उसको कम भी कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो। तो आज हम ये सब लर्न करेंगे। और इसको मज़ीद डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करें। और बैंकिंग के हवाले से अगर आप मेरी बाकी वीडियोज़ भी देखना चाहते हो, जो कि मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता होता हूँ, आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ आप मेरी सारी वीडियोज़ एक्सेस कर सकते हो। और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मोबाइल ऐप को लॉगिन कीजिएगा, जैसा कि मैं कर चुका हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद जो है ना इस पर क्लिक करके जो हमारे पास थर्ड नंबर पे जो ऑप्शन है कार्ड मैनेजमेंट, हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फर्दर जो ऑप्शन हमें दिखाई देंगे, जैसे कि हमारे पास डेबिट कार्ड भी है और क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन है। मेरे पास क्रेडिट कार्ड कोई है नहीं, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करके भी क्रेडिट कार्ड का इनका जो लिमिट है वो भी देख सकते हैं। तो मैं अगेन डेबिट कार्ड पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ बेसिकली सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि डेली विदड्रा लिमिट कितना है, और ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि अगर उसका लिमिट कम या ज़्यादा करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है लिमिट मैनेजमेंट, तो यहाँ मैं लिमिट मैनेजमेंट पर क्लिक करूँगा। लिमिट मैनेजमेंट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो कार्ड भी मुझे शो हो रहा है। और यहाँ हमारे पास दो लिमिट है, एक है ATM कैश विदड्रा लिमिट और दूसरा है पोज ई कॉमर्स लिमिट। ATM कैश विदड्रा लिमिट का मतलब ये होता है कि आपके पास ATM से पैसे निकलवाने का जो लिमिट है वो कितना है, और पोज ई कॉमर्स का मतलब ये होता है कि आप पर डे जो कार्ड स्वाइप करके हम जो शॉपिंग करते हैं, पेट्रोल जो है ना गाड़ी को फ्यूल अप करवाते हैं और इसके अलावा शॉपिंग करते हैं, तो उसका जो लिमिट है वो भी हम यहाँ चेक कर सकते हैं। जैसे ही मैं ATM कैश विदड्रा लिमिट पे क्लिक करूँगा आप देखेंगे कि मेरे पास इस वक्त जो ATM कैश विदड्रा लिमिट है वो 50,000 है। तो अब फॉर एग्जांपल अगर किसी का 25,000 होता तो उसको कम ज़्यादा कर सकता था, और इसके अलावा अब मेरा 50,000 है उसको मैं कम भी कर सकता हूँ। उसके लिए अगर आप कम या ज़्यादा करने चाह रहे हो तो इसको जो है ना आपने मूव करना है, जो भी आप करना चाहें, 40,000, 50,000 से 40,000 भी कर सकते हो, 35 भी कर सकते हो, 30 भी कर सकते हो, 25 भी कर सकते हो। तो ऑलरेडी अगर आपका 25 है तो आप जो है ना इसको 50,000 भी कर सकते हो। अब कुछ कार्ड ऐसे हैं जो आपको लिमिट देते हैं 1 लाख तक का, जो है ना आप इसको लिमिट को इंक्रीज कर सकते हो। और कुछ जो है जैसे मेरा है, जैसे इसमें 50,000 लिमिट है तो मैं 50,000 से ज़्यादा इसको नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं इसको कम करना चाहूँ तो मैं कम ज़रूर कर सकता हूँ। तो इस तरह आप जो है ना इसका लिमिट जो है ना कम या ज़्यादा कर सकते हो। सेम इसी तरह आप पोज की जो लिमिट है वो भी कम या ज़्यादा कर सकते हो। जस्ट मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा अगर आप ये करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप इसको कम करें या ज़्यादा करें, इसका जो तरीका कार है वो यही है कि आपने इसको कम या ज़्यादा करना है, जो हमारे पास टाइम लाइन है इसका। अब मैंने इसको 25 कर दिया, जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए आप कैसे कर सकते हो। उसके बाद मैं नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ क्या लिखा हुआ आ गया, डियर कस्टमर यू हैव सक्सेसफुली अपडेटेड योर ATM कैश विदड्रा लिमिट ऑफ योर डेबिट कार्ड। अब जो इसका लिमिट है वो जो है ना 50,000 से कितना हो गया है, 25,000 हो, सॉरी 50,000 से 25,000 हो गया है। अगेन मैं कार्ड मैनेजमेंट में जाता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ कि जो हमने चेंज किया है वो हुआ भी है कि नहीं। तो अगेन मैंने कार्ड मैनेजमेंट पे क्लिक किया, तो अभी आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो यहाँ अगेन मैं इसमें आ गया, तो यहाँ मैं कार्ड लिमिट मैनेजमेंट पे क्लिक करूँगा। लिमिट मैनेजमेंट के बाद मैंने ATM कैश विदड्रॉल पे जैसे क्लिक करूंगा, जैसे आप देख सकते हैं कि पहले जो लिमिट था वो 50,000 का था, 50,000 का था, अब जो कि 25,000 है। सेम इसी तरह आप इसको अगर ज़्यादा करना चाहते हो तो नेक्स्ट पे क्लिक करके आप इसको जो है ना इंक्रीज भी कर सकते हो। अब जो है ना OTP वो जनरेट कर रहा है, जो आपके आपकी ईमेल एड्रेस और मोबाइल पर भी मिल सकते हैं। आप बाज़ औक़ात ये OTP जनरेट करते हैं और कभी नहीं करते, कम करने के लिए तो उन्होंने जनरेट नहीं किया, अब इंक्रीज करने के लिए इसको जनरेट कर रहे हैं, जो कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और जो ईमेल एड्रेस है उस पर आपको रिसीव हो जाएगा, वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे तो आपका ये सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। तो सेम इसी तरह जो पोज की लिमिट है वो भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो अभी मैं जो है ना OTP कोड जो है उसका जो है ना वेट कर रहा हूँ, जैसे ही मुझे रिसीव होगा तो मैं यहाँ इंटर करूँगा। सेम इसी तरह जैसे पहले सक्सेसफुली वो अपडेट हो गया था, अब ये भी जो है ना सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। यही सेम तरीका है। और
जो है ना, बस मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रहा था कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। जब आप ओटीपी को एंटर करेंगे तो आपका ये सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई सवाल है, मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। नेक्स्ट मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।